और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। किसी भी मामले की जांच के दौरान इस आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होते हैं। इस आयोग का विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष समेत इसमें 5 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष समेत 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 साल की अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य। यह संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह अल्पसंख्यकों को अधिकार या सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायतों पर भी गौर करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिशें करता है। अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना भी इस आयोग के कार्यों में शामिल है। यह आयोग केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों के सामने आई मुश्किलों से संबंधित समय समय पर विशेष रिपोर्ट देता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियाँ। आयोग के पास अपने कार्यों को करने के लिए दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं। यह भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है। यह किसी भी दस्तावेज को खोजने तथा प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यह हलफनामों पर गवाही ले सकता है। यह आयोग किसी भी न्यायालय या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। यह गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी कर सकता है।